अस्सलाम वालेकुम इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान के टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर शेयर करूंगा। ये लोग इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप लोग अपने जो गोल्स होते हैं आपके, उसको अचीव करने की तरफ भागते हैं। बाज़ुकात हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है, बहुत सारे लोगों से हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान के जो टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप लोग इनको सुनकर, इनको देखकर अपने आप को इंस्पायर करवा सकते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं और अपने तमाम गोल्स को, अपने तमाम जितने भी आप काम करते हैं उसको सक्सेसफुली मुकम्मल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असल में मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन का जो वर्ड है वो मोटिव से निकला है, और मोटिव का मतलब होता है पर्पज, यानी कोई रीजन या जिसकी बिना के ऊपर आप लोग कोई काज, जो जो मकसद होता है उसको कंप्लीट करने की तरफ आप जो भागते हैं, उस एनर्जी को मोटिवेशन कहा जाता है। लाइक आपका कोई मोटिव है, आपका कोई मकसद है और उसको आपने हासिल करना है, हासिल करने की तरफ जो आप एनर्जी लगाते हैं, आपको उस एनर्जी की जरूरत होती है वहां तक पहुंचने के लिए, उस चीज को मोटिवेशन कहा जाता है। तो मोटिवेशन हासिल करने के लिए मैं आपके साथ 5 ऐसे यूट्यूबर चैनल जो पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब के ऊपर भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास आता है कासम अली शाह। कासम अली शाह पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर आप लोगों नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, कासम अली शाह फाउंडेशन के नाम से इन्होंने अपना एक इदारा बनाया हुआ है, और उस इदारे का जो मेन मकसद है, जो मेन फाउंडेशन है, मेन गोल है, वो आपको मोटिवेट करना, आपकी मदद करना, लोगों को ट्रेन करना ताकि वो अपने आप में एक न्यू प्रोडक्ट के तौर पर और अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़े। इंसान को ज़िंदगी में बहुत बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग कासम अली शाह साहब के फॉलो कर सकते हैं, इनकी वीडियोस को देख सकते हैं, इनके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इनसे मुतासर हो सकते हैं, और एक बार आप इनकी वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग ज़रूर इनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं और मोटिवेट भी हो सकते हैं। ये इंसान को आपको ज़िंदगी जीने के मुख्तलिफ तरीके सिखाते हैं, इस्लाम से रिलेटेड भी चीज़ें बताते हैं और दुनिया से रिलेटेड भी चीज़ें बताते हैं, तो आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनसे भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करके अपनी गोल अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं। कासम अली शाह साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लाइक जीत की जानब अगर आप देखें तो ये भी इन्होंने लिखी थी, ज़रा नाम नम हो ये भी एक इनकी किताब है। इसके अलावा अपनी तलाश के नाम से भी एक बहुत ज़बरदस्त, ये सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड एक बुक थी, तो आप लोग इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कामयाबी का पैगाम, इनकी बहुत ही फेमस और वेल पेड एक बुक है, आप लोग उसको भी स्टडी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुवेद इकबाल। मैं इनको बहुत अरसे से फॉलो करता हूं और आप यकीन करेंगे कि एक बार आप इनको सुनेंगे तो आप लोग इनके गर्विदा हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त अंदाज से ये प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को और इतना मोटिवेट करते हैं इंसान को कि आप लोग खुद इनको देखकर इंस्पायर होंगे, इनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, इनके नॉलेज की बिना पर, इनके एक्सपीरियंस की बिना पर आप लोग इनसे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये भी बहुत सारा चीज़ें आपको एजुकेशन से रिलेटेड और इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड और मोटिवेशन इंस्पायर करने के लिए आपकी लाइफ को बहुत चीज़ें बताते रहते हैं। आप लोग इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी इनके प्रेस किया करें ताकि तमाम वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट बना सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं जावेद चौधरी। ये पाकिस्तान के एक मशहूर मकबूल एंकर के तौर पर ये काम करते हैं और इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप लोग इनके यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर एक शो करते थे कल तक के नाम से,
मैं तब से इनको फॉलो करता हूँ। और ये जब भी शो बनाते थे तो स्टार्ट में ये हमेशा एक कहानी बताते थे, तो मैं वो कहानी सुनकर इतना इंस्पायर होता था, तो इनको देख देख कर ही मैंने खुद अपने आप में ऑनलाइन स्टार्ट किया था वर्क करना और अपना काम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद कभी ना कर पाता वो इनको देखकर मैंने कंप्लीट की है। इनसे मोटिवेशन मुझे बहुत बार मिली है। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये भी पाकिस्तान के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप लोग बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में नया सीख सकते हैं इनके तजर्बे की बुनियाद पर, इनके नॉलेज की बुनियाद पर, इनकी एजुकेशन की बुनियाद पर, और साथ साथ है इनके जो एटीट्यूड हैं ये अपने अंदर, जो इनके अंदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की एक चीज़ है वो आपको हासिल होती हैं। तो आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आ सकते हैं और इनसे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं, माइंड चेंजर भी साबित हो सकते हैं। आपके माइंड को पूरी तरह ये चेंज कर देंगे और आप लोग अपने गोल्स की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं अली अहमद आवान, पाकिस्तान के जो यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनमें इनका शुमार होता है। मैं इनको देखकर बहुत बार इंस्पायर हुआ। इनकी छोटी मोटी मैंने एक दो बार वीडियोस देखी थी, तब से मैं इनको फॉलो करता हूं। आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकी वीडियोस को दबा चाउट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को इंस्पायर करने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो आप लोग इनके चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और इनकी वीडियो से भी अपने ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा गेम चेंजिंग के तौर पर अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट कर सकते हैं। और लास्ट नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं हमाद साफी, पाकिस्तान का, इन्हें छोटा प्रोफेसर भी कहा जाता है। ये छोटे यंग एज के बच्चे हैं, बच्चे आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये एज अ प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर में इनका शुमार होता है। बहुत बार ये स्टेज के ऊपर जाकर इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की है। तो आप लोग इनकी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि जब एक यंग एज का लड़का, एक 12-14 साल का लड़का जब स्टार्ट कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी काम की तरफ भागते हैं, किसी काम को अचीव करना चाहते हैं, किसी गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लोग इन जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान में जो ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, छोटे बच्चे जो हैं, छोटी एज के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उनकी तरफ देख कर आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर ये एक छोटा सा बच्चा होकर ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये पांच ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी एक ये सब को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी वीडियो से ही अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी ज़रूर सब्सक्राइब करिए करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।